तो बंगाल की हिंसा में 100 लोग मारे गए तो कोई विपक्ष की टीम वहाँ नहीं गई, और अगर मणिपुर गई तो 2 महीने के बाद गई, और एक प्रकार का पॉलिटिकल टूरिज्म था। फिर बिहार में भी तो कटिहार में गोलीकांड में 2 लोग मारे गए, वहाँ क्यों नहीं विपक्ष की टीम गई दौरा करने के लिए? इसलिए देखिए, ये केवल नाटकबाजी कर रहे। मणिपुर के सवाल पर दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया ये लोग सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। बंगाल का भी इनको जरूर भ्रमण करना चाहिए, फिर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी बलात्कार की घटनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में लगातार चर्चाएं हो रही है, खास करके राजनीतिक पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर है। खास करके इंडिया नाम की जो गठबंधन बनी है उसकी टीम मणिपुर की घटना को लेकर दौरा किया, वहाँ घुमा है, वहाँ के बारे में जानकारी ली है, जिसके बाद से भाजपा जो मौजूदा समय सरकार में है हमलावर दिख रही है। इसी बीच भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला बोला और उन्हें साफ तौर पर कहा, बंगाल और आप देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार की मौजूदा हालात, चाहे बिहार की बात कटिहार की घटना को ले लें या फिर बेगूसराय की घटना को लें, उन्होंने कई घटनाओं का नाम गिनाया और कहा कि यहाँ पर विपक्ष की टीम क्यों नहीं दौरा करती है, आखिर क्यों नहीं इस मामले पर कुछ बोलती है, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के मामले पर दौरा हो रहा है, टीम जा रही है, इसका मतलब है कि ये लोग राजनीतिक पर्यटन पर जा रहे हैं, इन लोगों को समाज से, देश से कोई मतलब नहीं। सुनिए सुशील कुमार मोदी क्या कुछ बोल रहे हैं। नहीं देखिए, विपक्ष को अधिकार है कहीं भी जाने का, लेकिन 2 महीने के बाद जा रहे हैं, और ये एक प्रकार के राजनीतिक पर्यटन के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी टीम से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बंगाल की हिंसा में भी 100 से ज़्यादा लोग मर गए, और वहाँ पर सरकार थी टीएमसी की, तो वहाँ कोई टीम क्यों नहीं गई? आज तक उसका उन लोगों ने भर्त्सना भी नहीं की, जबकि मारे जाने वाले लोग सीपीएम के थे, कांग्रेस के थे, बीजेपी के लोग थे। तो बंगाल की हिंसा में 100 लोग मारे गए तो कोई विपक्ष की टीम वहाँ नहीं गई, और अगर मणिपुर गई तो 2 महीने के बाद गई, और एक प्रकार का पॉलिटिकल टूरिज्म था जिसको पर्यटन कहते हैं। और फिर बिहार में भी तो कटिहार में गोलीकांड में 2 लोग मारे गए, वहाँ क्यों नहीं विपक्ष की टीम गई दौरा करने के लिए? इसलिए देखिए, ये केवल नाटकबाजी कर रहे हैं। और हम तो देखिए, मणिपुर के सवाल पर दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया ये लोग सदन को चलने नहीं दे रहे। तो आखिर मणिपुर में अगर चर्चा होगी, सरकार जवाब देगी, तभी ना सारी स्थितियों की जानकारी मिलेगी। तो इनको नॉर्मेलसी हासिल करने में कोई इनका मकसद नहीं, इनका मकसद है केवल राजनीति करना। इसलिए ठीक है, विपक्ष का अधिकार है कि वहाँ जाएं, लेकिन कम से कम एक बार बंगाल का भी इनको जरूर भ्रमण करना चाहिए, फिर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ भी बलात्कार की घटनाएँ बड़ी संख्या में हुई हैं, इन राज्यों को भी विपक्ष को दौरा जरूर करना चाहिए। तो अभी आपने सुशील मोदी को सुना है, वो किस तरीके से बोल रहे थे, पूरे विपक्ष पर वो गुस्सा के रूप में दिख रहे थे, काफ़ी क्रोधित थे। उनका साफ साफ कहना था कि ये लोग राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर हैं, इन लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को घटना से कोई मतलब नहीं। अगर घटना से मतलब होता तो राजस्थान में जिस तरीके से दलित बेटी के साथ हुआ है, या फिर बिहार के बेगूसराय में हुआ, या फिर मौजूदा समय में बिहार के कटिहार में जिस तरीके से पुलिसी तंत्र ने गोली मारकर हत्या कर दी, इस सब पर भी विपक्ष के लोग यात्रा करते, टीम जाती, जांच करती और अपनी राय रखते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की घटना को लेकर बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग राजनीतिक पर्यटन के रूप में उसे देख रहे हैं, इन्हें सामाजिक मुद्दों से कोई खास मतलब नहीं। साथ ही साथ सुशील मोदी ये भी बोलते देखे गए हैं कि हम लोग संसद के दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहती है, किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार नहीं है। तो आप अपनी राय इन तमाम घटनाओं पर क्या रखते हैं, हमें कमेंट के रूप में जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।